नमस्कार दोस्तों, वास्तु एस्ट्रो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम 5 जुलाई को पड़ रहे उपछाया चंद्र ग्रहण तथा गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। 5 जुलाई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को उपछाया ग्रहण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो जाती है लेकिन तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होते, ऐसी स्थिति में चांद की छोटी सी सतह पर अम्र नहीं पड़ती। अब आप कहेंगे अम्र क्या होता है? यह पृथ्वी के बीच के हिस्से से पड़ने वाली छाया होती है जिसे अम्र कहा जाता है। चांद के बाकी के हिस्सों पर पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया पड़ती है जिसे उपछाया कहा जाता है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को सुबह 8:37 पर शुरू होगा, 9:59 पर सबसे अधिक प्रभावी होगा तथा सुबह 11:22 पर ख़त्म हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण 2 घंटे 43 मिनट तथा 24 सेकंड तक रहेगा। ये ग्रहण यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक तथा अंटार्कटिका में दिखाई देगा। इस उपछाया चंद्र ग्रहण में कोई सूतक काल नहीं माना जाता। आप इसको नंगी आँखों से भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीस्कोप की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु गर्भवती स्त्रियों को परहेज रखना आवश्यक है। वे धारदार चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और ना ही इस समय पर सोएं। यह चंद्र ग्रहण धनु राशि में पूर्व शाड़ा नक्षत्र में पड़ रहा है तथा सूर्य उस दिन मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चंद्र ग्रहण होने के कारण इस ग्रहण का असर मानसिक तौर पर ज़्यादा पड़ेगा। धनु राशि अकारात्मकता की राशि है जिसकी वजह से देश दुनिया में युद्ध तथा विवादों जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। चंद्रमा जल तत्व का अधिपति है तथा जिसकी वजह से जल संबंधी आपदाएं भी आ सकती हैं तथा 30 जून को वक्री गुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में वापस आ गए हैं जिसकी वजह से महामारी में कमी आनी शुरू होगी। अपनी कुंडली के हिसाब से चंद्र ग्रहण के बाद वैसे तो वही दान करना चाहिए जैसे कि चावल, दूध, दही, ठंडा पानी, खीर आदि का भी दान कर सकते हैं। इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि अवश्य ही करें, खास करके ओम नमः शिवाय, चंद्रमा के बीज मंत्र, गुरु के बीज मंत्र तथा ऐसी पूजा जो मानसिक तौर पर की जा सके, क्योंकि ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद ही रहेंगे। फिर ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर में तथा घर में गंगा जल का छिड़काव करें तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर जिसमें कि नहाने के पानी में दूध, हल्दी, गंगा जल अवश्य ही डालें। ग्रहण के दौरान पहने हुए कपड़ों को पानी से निकाल कर रखें। चतुर्मास के बाद सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ पर ही आ गया है, इसलिए शिव पूजन करना अति शुभ है। गन्ने का रस, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करें तथा बाद में चावल चढ़ाएं ताकि चंद्रमा को बलि किया जा सके। 5 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यह दिन गुरु पूजन के लिए निर्धारित है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि कृष्ण देवयापन वेद व्यास जी की जयंती होती है। शास्त्रों में गू का अर्थ होता है अंधकार या मूल अज्ञान और रू का अर्थ होता है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अंधकार को हटाकर गुरु प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य करता है। गुरु पूर्णिमा 4 जुलाई 2020 को 11:33 सुबह से
5 जुलाई 2020 को 10:13 तक मनाई जाएगी। इस दिन यदि लॉकडाउन की वजह से आप गुरु के पास ना भी पहुंच पाए तो उनकी फोटो की पूजा अवश्य ही करें और खीर का भोग जिसमें केसर जरूर ही डला हो भोग लगाकर तथा सपरिवार उसको बाद में घर में खाएं। परंतु आपकी ज़िंदगी में प्रकाश देने वाले गुरु को चाहे एक फ़ोन करके उनका धन्यवाद अवश्य ही करें ताकि गुरु की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि जो गुरु का मान नहीं करते उनसे ईश्वर भी नाराज रहते हैं। केसर का तिलक ज़रूर लगाएं तथा खाने में केसर का प्रयोग अवश्य ही करें। गाय को उस दिन चने की दाल आटे में डालकर अवश्य ही खिलाएं। धार्मिक किताबों का दान मंदिर में दें। धार्मिक ग्रंथ किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। बच्चों में उस दिन स्टेशनरी बांटें। पीले धागे में 9 हल्दी की गांठों की माला बना के नवग्रह में गुरु ग्रह पर चढ़ाएं ताकि आपके जीवन में गुरु ग्रह से संबंधित सभी परेशानियों को खत्म किया जा सके, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान धन वैभव विद्या ज्ञान संचित धन प्रख्याति का कारक होता है तथा हमारे जीवन में गुरु ग्रह के शुभत्व में कमी आने से हम इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए सदैव अपने मार्गदर्शन देने वाले गुरु का सम्मान करें और यदि आप सामने गुरु का सम्मान करें और पीठ पीछे अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी गुरु ग्रह खराब होता है तथा जिससे जीवन में सभी गुरु के कारकों में कमी आ जाती है। अगर हो सके तो अपने घर में नॉर्थ ईस्ट साउथ या साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में अपने गुरु की फोटो अवश्य ही लगाएं तथा उनका नियमित सम्मान करें। तो उठा लीजिए इस खास दिन का फायदा, जिस दिन चंद्रमा भी गुरु की राशि धनु राशि में है और इन दोनों का मेल गज केसरी योग का फायदा देता है। इस दिन हल्दी वाले दूध ब्राह्मण को दें तथा खुद भी जरूर पिए। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी कुशलता श्री भगवान से सदा शुभ चाहती हूँ। और अधिक ऐसे ही ज्योतिषीय सूत्र तथा उपाय जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाकर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। ना जाने आपके इस कर्म से आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में से किसी का भला हो जाए। सो कीप वॉचिंग वास्तु एस्ट्रो। जय माँ वैभव लक्ष्मी। धन्यवाद।